कन्या सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के पास लमही ग्राम में 1880 में हुआ। उनका नाम धन भदराई था। पढ़ाई के बाद शिक्षा विभाग में निरीक्षक बने। फिर उन्होंने गांधीजी से प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी। उनके उपन्यासों और कहानियों में ग्रामीण जीवन का सच्चा चित्र मिलता है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि उनके उपन्यास हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है क्या है। यह मुंशी प्रेमचंद ने लिखी कविता है। क्या हिस नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा कितना अजीब है, समय कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छोड़ जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैं समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बोलना और अपनी वॉच में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ पे कोई एयर नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फर्क नहीं है। जिल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्द से मैंने न मोहब्बत बदली और न दोस्त बदले हैं। एक खड़ी खरीद कर हाथ में क्या बात ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर के जरूरतों ने मुसाकर बना डाला मुझे। धन्यवाद। मैं चढ़वी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मुंशी प्रेमचंद जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जुलाई 31, 1880 को भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजय बारी था कि एक ढाक मुशीद है और इनके माता का नाम आनंद देवी था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था। उनकी रचनाओं में जन्म साधन की फैशनों, परिस्थितियों और उनकी रचनाओं में उनकी कृतियों में भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियों है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आत्मिका प्रदीप है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज कवि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं उनका चित्र बना रहे हूँ। मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यास लेखक है। वे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कलम का सिपाही नाम से वे माने जाते हैं। प्रेमचंद जी देशभक्त थे।
नमस्कार, मैं नेहा हूँ। आज मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। या मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम फारसी लेखकों में से एक है। मूल नाम धनपत रॉय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद को नवाब रॉय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में योगदान को देखकर बंगाल के एक विख्यात उपन्यासकार उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित की। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। प्रेमचंद जी को आधुनिक कथा साहित्य की जन्मदाता भी कहलाते हैं। उन्हें कथा सम्राट की उपाधि भी प्रदान की गई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं निवेदिता रॉय होली इनोसेंस पब्लिक स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुंशी प्रेमचंद भारत का उपन्यास सम्राट माना जाता है। मैं आज उनकी एक कविता पारायण करती हूँ। दुनिया में यूं तो हर किसी का साथ संग मिला, अफसोस सबके चेहरे पे एक सा तिरंग मिला। मजहब के रोशनी से दा रोशनी हुआ जगह मजहब, मजहब के मसीहाओं से हर शब्द शहर तंग मिला। सच की उड़ान जिसने भरी और उछला, वो शख्स शहादत के लिए एक उमंग मिला। दुनिया में यूं तो हर किसी का साथ संग मिला, अफसोस सबके सेकरे पे एक सर तिरंग मिला। धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट एक गांव में हुआ था। माँ आनंदी देवी और पिता मुंशी अजय बराई थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी में हुआ था। हिंदी और उर्दू के महानदम फारसियों से वह एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नामों से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनका योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास परंपरा का विकास किया जिसका पूरी सदी का मार्गदर्शन हो गया था। उनकी रचना सोच वदन के लिए जनता को भड़कने का आरोप लगाया। कलेक्टर ने कहा, अब तुम कुछ नहीं लिखेंगे, यदि लिखेंगे तो जेल जाएंगे। तब उनके दोस्त दयानारायण नियम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने का सलाह दिया था। उनका अंतिम कहानी कफन थी। जीवन के अंतिम दिनों में वो बीमार हो गए थे। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र थे। मुंशी प्रेमचंद का एक मशहूर कविता ख्वाहिश आपको सुनाने जा रही हूँ। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी सुनो थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कहीं अपने पीछे छूट जाती है, हार जाओ तो अपनी ही पीछे छोड़ जाती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐप नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझमें कोई फरेब नहीं है। जल जाता हूँ मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना मोहब्बत बदले है और दोस्त बदले है। एक खड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक खड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरत ने मुसाफिर बना डाला मुझे। धन्यवाद।